चुप, आवाज नहीं सुनो। अर्जुन किसे पकड़वाया तुमने? मुझसे गलती हो गई, अशोक के कहने पर शूट कर देना चाहिए था। गलती तो मुझसे हो गई, उस दिन उसे पुलिस में पकड़वाने की बजाय ऐसे ही मार डालना चाहिए था। ए अशोक के बारे में तुम जानते क्या हो? पूरा शहर जानता है कि वो एक खतरनाक खूंखार आतंकवादी है, पैसों का लालची है, वो थर्ड रेटेड क्रिमिनल, ही इज अ ब्लडी किलर। अरे चुप, बकवास बंद कर। उन लोगों के साथ क्या जुल्म और अन्याय हुआ है तुम्हें नहीं पता, धोखे का क्या घाव होता है तुम नहीं जानते, मौत का गम तुम नहीं समझोगे। अशोक कोई टेररिस्ट नहीं है। हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद का खतरा जब से बड़ा है, तब से मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल फोर्स तैयार किया है, वो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS। अपनी बहादुरी और ताकत से लायंस लिबरेशन ग्रुप के लीडर दुरानी को सिर्फ कैद ही नहीं किया, बल्कि उन सभी नादान बच्चों को भी उनकी कैद से छुड़ाया है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय और बॉम्ब स्क्वाड स्पेशलिस्ट अशोक को यह श्रेय जाता है। इस बटन को दबाने से सिर्फ मैं या तुम लोग ही नहीं, साथ में ये बच्चे लोग भी उड़ जाएंगे। हालात क्या है? अगर वो पटा तो उसके आसपास के 300 मीटर की दूरी तक सब कुछ उड़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा। ए, आपस में क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। संजय, हरा काटूं या फिर लाल? ए, बॉम्ब एक्सपर्ट तो तू है, डर लग रहा है क्या? मैं भला क्यों डरूं? मुझसे ज्यादा मेरी जान की परवाह करने वाला तू जो मेरे साथ है, तू गलत नहीं काटेगा, भरोसा है। लाल या हरा? Then blue it is। मरोगे तुम सब, ये मत समझना कि हमारा जिहाद मेरे साथ खत्म हो गया। क्यों बे कुत्ते, तू बहुत चिल्ला रहा है, इसकी जबान काट लूं क्या? गृह मंत्री होने के नाते मैं आज यहां आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आप सभी पुलिस वाले जब आतंकवादियों का सामना करें तो किसी भी तरह से क्या डर, आपके मन में किसी तरह का डर ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट आप लोगों की रक्षा में देने का फैसला किया है। फुल सेफ्टी, बेस्ट क्वालिटी। One second. यार अशोक, मुझे टेंशन हो रही है यार, कैसे शांत करूंगा उसे पता नहीं। संजय, तू एक पुलिस वाला यार, बड़े बड़े अपराधियों से निपटता है, और बीवी का जन्मदिन भूल गया तो हालत पतली हो रही है, रिलैक्स, मर्द बन यार। मजाक मत करो, अभी जो बॉम्ब फटने वाला है उसे कैसे डिफ्यूज करूं? ये बुके उसे दे, पैरों पर माथा पटक दे, सरेंडर कर दे, और कोई रास्ता नहीं है। मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुम्हारे बुके नहीं चाहिए। सुनो नंदिनी, keep it to yourself। नंदिनी, no। बेशरम होकर मैंने अपना बर्थडे याद दिलाने के लिए खुद तुम्हें कॉल किया। नहीं। और तुमने वो कॉल भी काट दिया? नहीं यार, I want a medal baby, देखो। No। नंदिनी। Happy birthday नंदिनी। Hi। अशोक से सीखो, कल रात ठीक 12 बजे इसने मुझे कॉल करके विश किया। He's so sweet। ठीक तो हो ना अशोक? तूने कब विश किया बे? कल एक्स्ट्रा राउंड के बाद तुझे लगा मैं चादर ओढ़ के सो रहा हूँ, तब किया था। तेरी तुम। नंदिनी, 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 सॉरी नंदिनी। I hate you, संजय। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। सॉरी ना। Let's divorce. I'll take care of my baby. क्या यार, तुम्हारे बर्थडे के शुभ दिन पर तू ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो नंदिनी? अंकल, आंटी, आप भी कुछ कहिए ना। हमें कुछ मत बोलो, तुम ही संभालो इसे। संजय, सुपर ऑफर है, मिस मत करना। चुप करो अशोक। नंदिनी के साथ तुम बोर हो गए हो, तुम्हें तो कहते रहते हो ना। नहीं, तुमने नहीं, ऐसे कहा अशोक, प्लीज। अब वो खुद ही डिवोर्स के लिए कह रही है, अब हाँ कह दो ना। संजय फंसा हुआ है, उसे परेशान मत करो। क्यों, बहन भाई को सपोर्ट कर रही है, पत्नी का बर्थडे भूलने पर इसे थोड़ी सजा भुगतने दो, तड़पने दो तुम्हारे प्यारे भाई को। चुप कर मेरे पाप। नंदिनी, नंदिनी मेरी बात सुनो। देखो अशोक बकवास कर रहा है, मुझे तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलना चाहिए था, आई एम सॉरी। ठीक है, मेरा बर्थडे छोड़ो,
हमारी शादी की क्या तारीख है बोलो। मैं कैसे भूल सकता हूँ, अभी तो हुई थी। हाँ यही तो पूछ रही है यार, डेट बताओ इसे। माया, माय वेडिंग एनिवर्सरी, तुम्हें तो याद है ना? जून फोर्थ। मैं कैसे भूल सकता हूँ? जानती थी तुम नहीं बता पाओगे, हम दोनों की शादी की तारीख है जून 5। जून 4th को मंडप रेडी कर दिया था, उसी दिन से तुम मेरी पत्नी बन गई, इसलिए जून 4th कहा मैंने। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन थोड़ी टेंस है साहब। ब्लास्ट करने वाला ग्रुप ही यहाँ पर घुसा हुआ है साहब। उस कॉर्नर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कुछ फॉरनर्स को हॉस्टेज बना के हमसे डिमांड कर रहे हैं। बॉम्बर कहाँ कहाँ प्लांट किया है हमें पता नहीं। अरे ऑफिसर, ये पूरी बिल्डिंग हमारे कब्जे में है। तुम्हें 1 घंटे का वक्त देते हैं, हमारे ग्रुप के लीडर अबुल हुसैन को रिहा करना होगा, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। आप लोगों की डिमांड के बारे में सीनियर ऑफिसर्स को इत्तला कर दी गई है, ध्यान रहे किसी भी हॉस्टेज को कोई नुकसान ना हो। कोई शर्त नहीं ऑफिसर, तुमने जो धमाका देखा वो तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था, उससे 10 गुना बड़ा धमाका भी हो सकता है। और फिर जवाब देते रहना अपनी सरकार को, अपनी फौज को और इन बेगुनाहों को। कोई होशियारी नहीं, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। अशोक, दुरानी को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें 1 ही घंटे में सारे हॉस्टेजेस को बचाना भी है, तो हमारे पास 1 ही रास्ता है। अबुल हुसैन के लोगों को शक हो इससे पहले बम का पता लगाकर उसे डिफ्यूज करना होगा। साहब, इस ग्रुप के आदिल नाम के एक आतंकवादी को हमने पकड़ लिया। किधर है? इस तरफ साहब। तेरी आंखें निकाल के मुंह में घुसा दूंगा। बोल, बम किधर है? बोल। तुम पीछे जाओ, नजर रखो, तुम मेरे साथ।
इन सब को बताना पड़ेगा साथियों, वक्त आ गया है हमारे जाने का। अलविदा। The first gunshot was heard after the special task forces entered into the building. Come, dushman ko. Jao. Jao. संजय, ठीक हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। आर यू ओके? हाँ। संजय, are you okay? I'm okay. बाहर निकल। संजय। साले ऑफिसर, बाहर निकल। डरपोक। तुम लोगों को क्या लगा था? कुर्बानी क्या होती है? तुम्हें अब मैं बताऊंगा। इसके एक घंटे की मोहलत है। अभी कितना वक्त बाकी है? बाहर निकलो। सिर्फ 15 सेकंड। Go. Move. Get up, get up. Move. Sanjay. 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 Get up. Get up, Sanjay. 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 संजय, आंखें खोल, कुछ तो बोल। संजय, डर लग रहा है यार। संजय, तुझे कुछ नहीं होगा यार। ये डर नहीं है कि मैं मर रहा हूं, बस अपने बच्चे को बिना देखे मरना नहीं चाहता। शट अप। ए, तू अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाएगा। गेट अप, गेट अप। आजा संजय, स्टे विद मी। संजय, कुछ नहीं हुआ यार। Yeah.